किया जाना है पटियाला। जय माता दी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल मनीष शर्मा के ब्लॉग्स में। तो जैसा कि आपने ज्योत बत्ती करने से पहले का जो प्रोसेस देखा उसे हम बोलते हैं बर्तन धुलाई। बर्तन धुलाई का मतलब ये था कि जो ज्योत बत्ती के जो हमारे बर्तन होते हैं उनके लिए मेरी मम्मी ने अलग बर्तन की साबुन अलग सामान तक रखा है, वो पहले धोने पड़ते हैं उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं। और ये प्रोसेस रोज होता है, मम्मी होते तो मम्मी करते हैं, मम्मी नहीं थी तो मेरे को करना पड़ा, इसलिए मैं वो बर्तन धो रहा था। तुम ये मत समझना कि मैं घर के बर्तन धो रहा था, घर के भी धोने पड़ेंगे अगर, हाँ धोने पड़ेंगे अगर बर्तन गंदे होंगे तो, अभी तक मैंने गंदे किए नहीं है, नहीं तो वो भी धोएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने घर के काम में कभी कोई शर्म नहीं होती। सही कहा ना, मैं अपनी तरफ से कितनी भी सफाई कर लूँ मेरा रूम ऐसा ही रहेगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने कल थोड़ा सा ठीक कर दिया था लेकिन उसके बाद मेरे को कुछ कुछ चीज़ें निकालनी पड़ी तो फिर दोबारा ऐसे ही हो गया। प्रोटीन कहाँ है मेरा। एक रूल ये भी होता है कि जब तक तुम ज्योत बत्ती नहीं कर लोगे तब तक तुम कुछ खा पी नहीं सकते, इसलिए मैंने 11 बज रहे हैं और मैंने अभी तक प्रोटीन भी नहीं लिया। मैं अब प्रोटीन लूंगा और उसके बाद ऑफिस जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, अब तक मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज भूख लग रही है, इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगी, लेकिन बस बता रहा हूँ कि ये भी एक रूल होता है कि जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करते जब तक तुम कुछ खाते नहीं हो। मम्मी रोज नहीं खाती चाहे कितनी भी लेट हो जाएंगे, लेट होते नहीं मम्मी, 10 बजे तक तो कर ही देते हैं अगर कुछ काम भी हो नहीं तो, वरना 8-9 बजे तक कर देते हैं सारे काम। तो 2-4 दिन हम भी सह लेंगे थोड़ा, कोई नहीं। वैसे भी क्योंकि जतिन नहीं है, जतिन का शूट चल रहा है इसलिए वो थोड़ा बिजी चल रहा है। अब मेरा अगर शूट चलेगा तो फिर उसे ये काम करने पड़ेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। भाई साहब ये सनरूफ के फायदे हैं तो नुकसान भी है, हालत खराब हो जा रहा है जब धूप में खड़ी रह रहा है। ये बंद करना भूल जाऊं, मैं रात को बंद नहीं करा, सुबह सुबह इतनी गर्म हो रही थी, गर्म तो खैर वैसे भी होती। वैसे कुछ भी कहो गर्मियों के मौसम से सर्दियों का मौसम 100 गुना बढ़िया है। अगर मेरी चले मैं तो 24 घंटे नहीं 12 के 12 महीने सर्दियों के ही मौसम रखूं। सर्दियों का जो निवास मौसम रहेगा ना, जैसे अभी ऐसे आजकल चल रहे हैं, पर दिन में अभी धूप बहुत ज्यादा हो जाती है दोपहर के टाइम। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जतिन और पटियाला मेरा वहीं वेट कर रहे हैं। उन लोगों ने कोई भंडारे में जाने का जुगाड़ बैठा रखा, पता ना कहाँ थे, नोता वोता आया है या वैसे ही जाएंगे किसी के रैंडम, पर हाँ भंडारे में जाएंगे शायद अगर मैं टाइम पे पहुंच गया। तो काफी टाइम से मेरा वेट कर रहे हैं तो तुम्हें वहीं चल के दिखाऊंगा सब्जी पूरी लड्डू हलवा रायता जो कुछ भी होगा, मुंह में पानी आ गया मतलब नाम लेके, क्योंकि मम्मी कहती है तो कुछ घर का सा खाए हुए काफी टाइम हो गया। और भंडारे की सब्जी वब्जी ना बहुत स्वाद रहे हमारे इधर, तो खासकर हर जगह ही रहती होंगी वैसे तो, पर ये भंडारे मेरे ख्याल में हरियाणा में ज्यादा हुए, यूपी हरियाणा साइड ज्यादा होते हैं, बाकी मेरे को पता भी ना है अगर कहीं और भी होते हो तो। ये जो संतरी से कलर की मिनी कूपर जा रही है ये अपनी BMW से रेस लगा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इतनी दूर छोड़ दिया था मैंने, लेकिन छोटा है ना इसलिए और मेरी थोड़ी सी नीची ज्यादा है तो उछल के आगे आ गए अंकल, मतलब रेस खत्म होने के बाद आगे आ गए, रेस जितनी लग रही थी उसमें तो हम ही जीते, कोई दिक्कत वाली बात ना, नो मतलब ना कि रेस हार गए, पर मिनी कूपर भी सही भागे और भागते हुए लग रही थी बढ़िया, ऐसा लग रहा था साइड में से कोई क्यूट सी मतलब क्यूट सी छोरी निकट गई हो, जब साइड में तो निकली ना इसकी आराम से मंदी स्पीड में, ऐसा लग रहा था कोई क्यूट सी छोरी मटक मटक के निकट रही हो। मैंने कहा जा चली जा, मैं सोच तो रहा था कि शूट कर लूं लेकिन मैंने कहीं रेस करते करते एक हाथ में कैमरा एक आता बढ़ ऐसा ना हो जाए सीन, कहीं उसका खर्चा भी मुझे देना पड़े और अपना तो करना ही पड़ेगा। देख के भाई ट्रैक्टर वाले तेरे तेरे इस ना कर सका कोई भी, इनकी गाड़ी नीचे खड़ी है वो देखो, वहाँ 12वें फ्लोर तक गाड़ी अनलॉक कर रहा है, देखना रहा है तू हाय के करे के लाना पैंट बैग, अच्छा ये बैग लेके जाना इसका भाई कर दे लोग, वाह वाह तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर, ओहो हमने ना करियर अपनी Well done. 3-4 दिन बाद अपने ऑफिस पे आ रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, अरे कहाँ हो दीदी, कैसे हो? आपने की दुबई है, इतना झूठ है क्या? अभी तो भैया कह रहे हैं, मैंने भैया दुबई में है। नहीं अच्छा ये भैया कह रहे हैं दुबई में? ओ भैया नहीं, कल रात को ही तो आया हूँ, कल रात। हाँ तो अभी क्यों कह रहे हैं दुबई में, हम तो आ गए। ये झूठ बोलते हैं, ये पागल बनाते हैं आपको। हाँ ये वाले भैया कह रहे होंगे, ये वाले है ना। अभी तो आया बस से, अभी उतरा बस से, देख लो बैग वैग लेकर आया। नहीं लोग किधर जाएंगे? हाँ बस जाती है विदेश, बस जाती है। मैं तो कह रहा हूँ दीदी, दीदी आप एक्टिंग करने चालू कर दो, दीदी आपका यूट्यूब चैनल बनवा दे। नहीं सच बताओ, एक वीडियो में
रोल तो कर सकते हो हमारी वीडियो में, एक्टिंग 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 कर लेना हमारी वीडियो में। नहीं मैं क्या एक्टिंग करूं, कैटरीना कैफ की तरह डांस वांस आता है आपको? नहीं। अरे दीदी शर्मा रहे हो यार। कुछ नहीं कुछ नहीं आता, कर लोगे आप? हम बताएंगे, हम जैसे बताएंगे वैसे। डायलॉग बोलना है, डायलॉग बोलना है, एक ऐसे बोलना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पटियाला बाबू, बोलना। दीदी शर्मा की, दीदी बोल शर्मा की। दीदी इधर कुछ भी बोल के। दीदी बहुत चिल है, बहुत चिल है, एक नंबर है दीदी। चीकू कहाँ गया? चीकू मुंह धो रहा भाई। अच्छा कितनी एडिटिंग रहेगी भाई इसकी, चीकू की जत्री की? आधा घंटा, आधा घंटा, आधे घंटे बाद आपको ये वीडियो आएगी। हाँ जी हाँ, कल एडिट होते डाल रहे। क्या कह रहा था, पानी गर्म कहाँ था? ये गीजर ऑन कर रखा होगा तुमने? लास्ट वाला खटका यो गीजर का ही है, बिल्कुल लास्ट वाला है। हाँ अकेला है जो, क्या हाल मचा रखा है। दो चार दिन के ना संभालू, देख लो मम्मी क्या हाल कर रखा है ना ऑफिस का। चलो चलो अब कहाँ चलना, भंडारे भंडारे में जहाँ चलना, चलो चलो भंडारे भंडारे में ना, भंडारे में। हाँ तो भंडारे में चलो, रायता हम पे नहीं अपना लेक चले। कौन है, नोता है या वैसी है? नोता है पक्का। अच्छा टनिया मनियार करवा रहे हैं? अच्छा अपना ये घर में ही, फिर तो नोता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने सोचा था हम कभी वैसे लेके जा रहे हो किसी के। बीएमडब्ल्यू स्विफ्ट, तुम बताओ। हाँ भाई कौन सी गाड़ी लेके चलनी? दीदी से मिलना। दीदी चलो भंडारे में चल रहे हैं, भंडारे में। पटियाला क्या है? पटियाला भंडारे में। इसको पटियाला क्यों कहते हैं? ये पटियाला से है ना, इसलिए भंडारे में चले। आ जाओ दीदी, चले भंडारे में। चलो गए दीदी, एक बार एक बार डायलॉग तो बोलो वो। अच्छा इतना बोल दो बस, तुम क्या जानो पटियाला बाबू, इतना। ये तो छोटा सा दीदी, एक बार किसी को छोड़ोगी नहीं? नहीं नहीं बस एक बार, एक बार दीदी, एक बार किसी को नहीं दिखाएंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे। एक बार तुम क्या जानो पटियाला बाबू, इतना बस। तुम क्या जानो पटियाला बाबू। दीदी शर्मा जहा, चलो दीदी हम जा रहे हैं अभी, आते हैं ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दीदी शर्मा कह रहे तुम क्या जानो पटियाला बाबू। हमारी चील है, तो मैंने भी चाहिए। अच्छा जी 500 दे सकता हूँ। अच्छा ले ली क्या चाबी? मैंने सोचा मैं चाबी ऊपर छोड़िया था, स्विफ्ट लेकर आया हूं। मैं तो ये बीएमडब्ल्यू लेकर आया हूं, स्विफ्ट पैन लेकर आऊंगा। अगर रेस लग गई मेरी अभी उससे, मिनी कूपर से। लोगों ने यकीन है मेरे ऊपर की मैं झूठ ना बोले करूं, ना झूठ ना बोले करे। पर एक बात बता, रेस को लगा रहा तो किसी तरह? अरे वो वैसे ही आंखों आंखों में बहस होगी एक अंकल थे, मैंने कहा चला अंकल तेरे मैं बताऊं, छोटी सी गाड़ी ले रहा है। ये हमारे गाँव की गलियां, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं तो यहाँ पे। बंटी आ रहा है, बंटी आ रहा है मेरे चाचा का छोरा, उसे भी लेके जाएंगे भंडारे में। वो हमारे बराबर का सहयोग, छोटा था जब वो हुआ था ना, मैं छोटा था वो ना, जब वो हुआ था, जब छोटा था जब, तो मतलब मैं उसका फेवरेट था, मेरे साथ ही खेले करता। अब मेरे जितना हो रहा देखना। नमस्ते, सुना बंटी तेरी हाइट कितनी है? बंटी भाई मेरे बराबर का हो रहा है, नो होगी 5-9 के लमसम। चल चल तो चल, लक्की भी आ रहा है ना। अरे लक्की यार तू क्या यार, क्या लक्की पाजी क्या करते रहते हो? और लक्की क्या हाल है? बढ़िया ऐड करो इसे, नमस्ते करी आते थे, नमस्ते करी बड़ो भाई, बूढ़ा भाई एकदम लोग चालू हो गए। मैं एकदम भाई तू बोल रहा, तुम्हें जवाब दे रहा था, तू तू करके बात कर रहा, तू है तने शर्म है, वैसे तू पढ़ो लिखो बने, बता ओए छोरा ननू ऐसे नहीं। लक्की वैसे मजाक कर रहे थे साथ, लक्की गुल पर आएंगे जब जब तो ना स्कूल चले गए, स्कूल खुल गए, तुम्हारे स्कूल खुल गए? अच्छा तू पढ़ती भूल गए थे। ओह फिर ठीक है गाइस, ये हमारी कार है, ये हम हैं और हम भंडारा निपटाने जा रहे हैं। आज भंडारे में भी व्लॉग शूट करके हद ही कर दूंगा, मतलब मोहल्ले के लोग देखेंगे, अरे छोरा कहीं तो मान जाए कर।
देखो तो बेशरम घोषित कर दिए। हमारे यहाँ ना मोहल्ले की ताई कह रही है, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भैया। हमारे यहाँ ना ये चीज थोड़ी अजीब लगा कि यार लोग कर रहा वीडियो बना रहा क्या कर रहा है। जैसे सबके अपने वो एक ना देव देवता मानते हैं, जैसे ये हमारे दादा भैया है, दादा भैया की जय, ऐसे मतलब दादा भैया को मानते हैं हमारे यहाँ। भाई कुछ भी कहो हिम्मत ना होगा यार, ऐसी भीड़ में सारे गाँव गाँव के लोग बैठे हो, ऐसे कैमरा निकालने में अजीब शर्म से आ गया यार है ना। अभी अभी और धीरे धीरे अभी थोड़ा ब्लॉगर उसमें कैटेगरी में आए हैं, धीरे धीरे खुल जाएंगे, फिर तो कहीं हो बैठो कैमरा लेके बैठे करेंगे। तू ऑरेंज ले लू, नहीं बनाना चाहिए भाई, तीन वो कर दियो बड़े ऑरेंज और मीठा, और वो पानी मत मिलेगी, मैं बढ़िया फ्रेश बनेगी बिल्कुल है। नमक डाल दे थोड़ा सा काला नमक, गर्मी के मौसम में खाया ना जाओ ज्यादा, पीने का ज्यादा मन कर रहा है। अब हम पूरी वूरी खा तो आए, ये कह रहा है बोला रहा है बोला रहा है पूरी वूरी खा तो आए, लेकिन प्यास लग रही थी, मैं जूस ले लेता थोड़ा सा ताजा। भाई थोड़ी बर्फ डाल लियो, मैं थोड़ा ठंडा से कर दियो। 60 रुपए में इतना बढ़िया इतना बड़ा गिलास मिला है जूस का, लोग बता रहे इतनी महंगी महंगी दारू क्यों पी मैं ना, इतना बढ़िया इतना स्वाद लग रहा जूस संतरे का, प्योर संतरा पता ना, यो भी संतरा और वो भी संतरा ही रहा, तीनू लगा ले वो संतरा रहा है दारू। संतरा चाह भी रहा है ना, जो छोटे वाले वो है जो मेरे देखो पूछे मैं कभी उनने ना, अरे पियो ना तो उनने ना पियो है उनने ना पियो, पर मेरा तो होएगी संतरा ही कहवे ना, संतरा चाह लग रहा है। अब सारी बताएगा डिटेल, रसीला नींबू समझ जाएगा। जब आप ये व्लॉग देखोगे तो मेन चैनल पे वीडियो आ चुकी होगी हाफ इंजीनियर पे, तो स्वाइप अप नहीं, स्वाइप अप नहीं, सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लेना। हमने सोचा था हम बैठ के स्क्रिप्ट करेंगे, यहाँ सो रहा मैं, यहाँ सो रहा था। कहाँ हो मम्मी कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ पहुंचे? ओहो सीता माता की जय हो, सीता मैया की सीता माता। अच्छा अयोध्या हो, अयोध्या हम आए, अयोध्या। अच्छा अच्छा घूम लो घूम लो घूम लो, बढ़िया एंजॉय। मैंने जींस वींस पहन रखी थी, मैंने सोचा यहीं चेंज कर लेता हूँ पार्किंग में ही कपड़े, जब मैं जाऊंगा फिर चेंज करूंगा, क्या ही फायदा। नमस्कार अंकल जी, ठीक हो? आज भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जिम के अंदर शूट कर सकूं, क्योंकि वही है ना कि थोड़ा मेरे को लग रहा था मैं फैट, टी शर्ट मैंने दूसरी पहन रखी थी तो अब ये दोबारा वापस पहन ली, क्योंकि वो थोड़ी पसीने ज्यादा आ गए थे, मेहनत थोड़ी ज्यादा चल रही है क्योंकि रिजल्ट निकालना ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल में मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता और, एक हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा मैं, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है फर्क। बस दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे से डाइट कंट्रोल नहीं हो रही, जो कि मैं पहले बहुत अच्छे से कर रहा था, अब मेरी हो रही है 0% डाइट कंट्रोल। मैं मीठा खा रहा हूँ, तला हुआ नहीं खा रहा, तला हुआ नहीं खा रहा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी रहा, पर मीठा खा रहा हूँ। रात के 12:34 और फाइनली एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है मेन चैनल की, जो कि सुबह डल जाएगी 10 या 11 बजे, मैं देख लूंगा जब भी डालूंगा। जब आप ये व्लॉग देखोगे तो आपको वीडियो मिलेगी बकायदा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके देखना, एक नंबर वीडियो है, आपको मजा ना आए तो मेरी गारंटी। कोई मुझे बस इतना बता दो कि इस ट्रक वाले के पिटने के काम ना है, तो देखो इतना सा रोड है इसमें यहीं तक मोड़ेगा, इसे पता ना दारू पी रखी होगी इसमें, क्या ही कहूं मैं बस। और इसी के साथ मेन चैनल हाफ इंजीनियर पे वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके देखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे को बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं उठ गया हूं, थोड़ा सा नहा धो के बाल वाल कटवाता हूं, थोड़ा जंगली हो गया हूं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, और साइड में घंटा है उसको भी दबा लेना, ताकि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, बाय बाय।